हमारी धरती का ऊपरी सतह कितना रोचक है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारी धरती कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धरती के गर्भ में मौजूद एक ऐसे अजूबे के बारे में जिसे हम हीरा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे महंगी और कठोर धातु के रूप में जानी जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है हीरा सबसे पहली बार किसे और कब मिला था? धरती के गर्भ में इतना अधिक कठोर हीरा बनता कैसे है? सैकड़ों किलोमीटर की गहराई में हीरे को निकाला कैसे जाता है? आखिरकार क्यों हीरा किसी की जिंदगी को तबाह कर देता है? आखिरकार क्यों एक हीरे ने न जाने कितने साम्राज्यों का अंत कर दिया? क्या इंसानों के द्वारा हीरे को बनाया जा सकता है? और असली या नकली हीरे की पहचान कैसे की जाती है? अगर आपको ये नहीं मालूम तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन भारत को हीरे की धरती कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत में हीरे की खोज हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, 18वीं शताब्दी तक दुनिया में भारत के अलावा कहीं और हीरा मिलता ही नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 400 ईसा पूर्व ही भारत में हीरे की खोज कर ली गई थी। उस वक्त हैदराबाद के गोलकुंडा की खान से हीरे को निकाला जाता था, और दुनिया का सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर भी भारत के गोलकुंडा खान से ही निकाला गया था, जो सदियों तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। लेकिन भारत की धरती से निकला हुआ ये बेशकीमती हीरा आज ब्रिटेन की महारानी के ताज पर लगा हुआ है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि हजारों वर्ष पहले से ही जितने हीरे भारत की धरती से निकले थे उनमें से अधिकतर हीरे या तो लापता है या फिर विदेशी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हीरा शब्द बोलना जितना आसान है, हीरे का बनना उतना ही अधिक जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन से करीब 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल होता है, जहां उच्च दबाव और भयंकर तापमान के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग और मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़कर हीरे में बदल जाते हैं, जिसके बाद ज्वालामुखीय गतिविधियां और कभी कभी भूकंप या फिर उल्कापिंड का टकराव इन हीरों को ऊपर ले आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे कठोर धातु होने के बावजूद भी यदि हीरे को ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और बिल्कुल भी राख नहीं बचता, क्योंकि हीरे 100% कार्बन से बने होते हैं। आज के दौर में इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने हीरे को भी कृत्रिम तरीके से बनाना सीख लिया है। असल में हीरा कार्बन के अणुओं का एक समूह होता है जो आपस में करीब करीब होते हैं। आसान भाषा में समझे तो हम लोग जैसे सूटकेस में ठूंस ठूंस कर कपड़ा या सामान भरते हैं, ठीक उसी तरह जब कार्बन के अणुओं को बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर ठूंस ठूंस कर इकट्ठा किया जाता है तो हीरा बनता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बनाए जाने वाले हीरे के लिए इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि कोयले की तरह इंसान और जानवरों के टिश्यू को भी हीरे में बदला जा सकता है, क्योंकि किसी भी जीव का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से होता है। इसी वजह से इंसान और जानवर के टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी मृत इंसान या जानवर के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन बचेंगे, और बाद में उन टिश्यू को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव का इस्तेमाल करके हीरा बनाया जा सकता है। दुनिया की कुछ कंपनियां इंसान या जानवर के अवशेष को हीरे में बदलने का काम भी करने लगे हैं, हालांकि ये बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हीरे इतने असली होते हैं कि उनकी पहचान करना किसी जौहरी के बस की बात ही नहीं होती। इन सब के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने पीनट बटर को भी हीरे में बदलना सीख लिया है। भुनी हुई मूंगफली को पीसकर बनाए गए पेस्ट, जिसे पीनट बटर कहते हैं, इस पेस्ट को धरती की सतह से 800 से 900 किलोमीटर नीचे भारी दबाव के बीच रखा जाए तो इसके क्रिस्टल की आणविक संरचना बदल जाती है और वो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। अमेरिका की जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इस शोध के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और ये अद्भुत रूप से पारदर्शी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्राकृतिक हीरों और फैक्ट्री में बनाए गए हीरों के बीच फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है।
केवल एक खास उपकरण से असली हीरे की पहचान हो पाती है। खैर, फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे असली और नकली हीरे की पहचान की जा सकती है। असली हीरे के अंदर की बनावट उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन कृत्रिम हीरा अंदर से भी नॉर्मल दिखता है। असली हीरे में कुछ ना कुछ बेहद बारीक खांचे होते हैं जो 1200 गुना ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। आप हीरे को अखबार पर रखें और उसके पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको शब्द बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं तो हीरा असली है वरना नकली। अगर आप हीरे को पराबैंगनी किरणों में देखेंगे तो असली हीरा नीले रंग की किरण को छोड़ेगा, लेकिन अगर हीरे से हल्की पीली, हरी या फिर स्लेटी रंग की रोशनी निकले तो समझ जाइए हीरा नकली है। असली हीरा पानी में डालते ही डूब जाता है, जबकि नकली हीरा पानी के ऊपर तैरने लगता है। वैसे तो दुर्लभ धातु हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हीरा भले ही कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन ये बेशकीमती धातु बहुतों की जिंदगी तबाह भी कर देता है। ऐसी एक कहानी है दुनिया के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर की। वैसे तो कोहिनूर शब्द का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह हीरा अभिशप्त है और यह हीरा जिसके पास भी रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस हीरे ने कई राज परिवारों को तबाह कर दिया। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वो मौत के मुंह में चला गया। ये हीरा जिसके पास भी पहुंचा उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन एक समय के बाद उसका अंत हो गया। ये हीरा 1306 में तब चर्चा में आया जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा, जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज तो करेगा, लेकिन उसके साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। और आखिरकार हुआ भी यही, क्योंकि जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा तभी से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। ये या तो एक राजा के द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दिया गया, इसलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। हालांकि इसकी कीमत क्या हो सकती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 साल पहले हांगकांग में एक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था, जबकि कोहिनूर 105.6 कैरेट का है। इस हिसाब से कोहिनूर की वर्तमान कीमत कई $1 बिलियन हो सकती है, लेकिन जानकारों के मुताबिक कोहिनूर की वर्तमान कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए है। दुनिया का ये बेशकीमती हीरा कोहिनूर साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया और 1850 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंच गया। उस वक्त तक ये बेशकीमती हीरा 186 कैरेट का था, लेकिन जब ये हीरा ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद ये 105.6 कैरेट का ही रह गया। कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने के बाद महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर के शापित होने की बात बताई गई, तो महारानी उस हीरे को अपने ताज में जड़वा ली और एक ऑर्डर पास किया कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी और यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। तब से लेकर आज तक ये हीरा ब्रिटिश राजघराने से संबंधित महिलाओं की ही शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला द्वारा धारण करने के बावजूद भी इस हीरे का बुरा असर खत्म नहीं हुआ। जब से ये हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास गया है तब से ब्रिटेन साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी होने लगी। साम्राज्य का अंत अकाल, मृत्यु, कत्ल और बदनामी के कई दौर सहन करने के बाद भी आज भी ये हीरा इसी परिवार के पास ही है। हालांकि कई बार कोहिनूर को वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान में लाने की मांग होती रहती है। भारत में हीरे की खदान की बात करें तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के इलाकों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना फिलहाल देश का इकलौता ऐसा खदान है जहां से हीरा निकाला जाता है, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हीरे का सबसे बड़ा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर बक्सवाहा जंगल में 3.60 करोड़ कैरेट हीरा दबे होने का अनुमान है, लेकिन अफसोस इस हीरे को निकालने के लिए 382 हेक्टेयर जंगल को तबाह कर दिया जाएगा, जिसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी जाएगी। वहीं दुनिया के सबसे बड़े हीरे की खान की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक हीरा रूस और अफ्रीका में पाया जाता है। रूस में मिलने वाले हीरे की वजह से ही सोवियत संघ इतना अधिक शक्तिशाली हो पाया था। तो दोस्तों, ये थे हीरे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद अब तक आपको मालूम नहीं होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी और हीरो को लेकर आपके मन में और कौन से सवाल होते हैं हमें कमेंट करके बताना।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज लाते रहते हैं।